हम सब प्रार्थना करें कि मेरे भाई जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तुम अपने भाई जी को यहाँ काहे नहीं ले रखा, यहाँ अस्पताल पे भर्ती हो जाता। माँ जी, हमारे भाई जी का स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता। यात्रा के कारण यदि सर में दबाव पड़ा तो उनका मस्तिष्क ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। आप सबका हृदय से देंगे, आप सबका हृदय इतना बड़ा कि हमारी गलती को छोटा समझकर आप सब पे हमें क्षमा कर दिया। जब तुम घर में आई तो हमारा दिल दुखा। देखो जल्दी क्या दे रहे हैं, किसी को दादा को तो दादाजी आपकी तारीफ की तो बारे को जैसे कर रहे क्या, क्योंकि आपका इधर जाना कितना सो काफी सैड है कि तारा वापस इन इन सब को छोड़ के जा रही है। हैप्पीनेस भी है क्योंकि अब भाई जी के पास पहुंचना है जल्द से जल्द। एक इतने टाइम से तारा ने इतना स्ट्रगल किया, इतना सब झेला, तरुण का ड्रामा, यू नो माँ जी पसंद नहीं कर रही थी, बट फाइनली आई थिंक इट्स अ रिलीफ फॉर तारा कि सबके दिल में अपनी जगह भी बना ली और एक अच्छे नोट पर जा रही है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये नहीं पता कि अभी भी जा पाएगी या नहीं अपनी सदी में। आई थिंक जा पाएगी बट यू नेवर नो। और अगर गई तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा कि ध्रुव को लेकर जा रही है साथ में, तो अब ध्रुव कोई अलग ही दुनिया देखेगा, यू नो। सो या थोड़ा इमोशनल सा सीन था अभी, बट आई कांट वेट टू सी कि तारा टाइम ट्रेवल वापस कर पाती या नहीं। नहीं, घर वाले, घर वालों के दिल में तारा की बहुत एक अच्छी इमेज बन चुकी है। सवाल ये आयशा के मन में उठा होगा कि वो बोलती भी है, यू नो शी इज़ अ लिटिल सस्पिशियस कि ऐसी कौन सी दुनिया है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, जो इतना दूर है, ये जा कहाँ रही है। हालांकि उसके दिल में एक रिलीफ है कि हमारी शादी झूठी थी, सो ध्रुव देर इज स्टिल होप इन हर हार्ट। सो या ड्रामा ड्रामा एंड ड्रामा।